बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। ओम यो ह वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत् परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना है। एक दिन मैंने आप लोगों को समझाया था, ये संपूर्ण सृष्टि परब्रह्म परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। अव्यक्तावस्था में, प्रलयावस्था में एक अखंड अनंत सत्ता सर्वरूप में अवस्थित रहती है, जिसे परब्रह्म कहते हैं। वही सत्ता जब सृष्टियोन्मुख होती है सृष्टि काल में, तो दो रूपों में प्रकट हो जाती है। जिसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं, प्रलयावस्था में एक और सृष्टि काल में दो, ये उस एक ही सत्ता के स्वरूप हैं। और उन दोनों में एक चेतन रूप में और दूसरा चित्त रूप में आविर्भूत होते हैं। चित्त के परिणाम स्वरूप जैसे बीज से वृक्ष होता है,
ऐसे चित्त के परिणाम स्वरूप उसी से बुद्धि अहम मन उसी से पांच ज्ञान इंद्रियां पांच कर्म इंद्रियां उसी से पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसी से ये पंच महाभूत ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब बीज रूप में जो चित्त है उसी का सारा परिणाम है। और इस सारे अभिव्यक्त रूप को प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है वो चेतन सत्ता है जिसको पुरुष शब्द से संबोधित किया गया है। तो एक ही शक्ति के एक ही ब्रह्म के ये दोनों वैभव हैं ऐसा समझ लीजिए। अब उपासक की दृष्टि में वह ब्रह्म जो है वह प्रकृति भी है और पुरुष भी है दोनों है। इसलिए जब देवताओं ने परमेश्वरी से प्रश्न किया काश तुम महादेवी हे महादेवी तुम कौन हो तो उसने देवताओं को अपने यथार्थ स्वरूप का अवबोधन कराते हुए कहा अहम् ब्रह्मस्वरूपिणी मैं ब्रह्मस्वरूपा हूं यथार्थ रूप मेरा ब्रह्म रूप है और मुझ ब्रह्म से ही मत्तः मुझ ब्रह्म से ही मेरे से ही प्रकृति पुरुषात्मकम जगत ये सारा जो सृष्ट जगत दिखाई दे रहा है प्रकृति और पुरुष के रूप में नर और नारी के रूप में ये मेरा ही वैभव है मेरा ही विलास है मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है। अभिप्राय कि आपका ये जो शरीर है शरीर रूप में प्रकृति की अभिव्यक्ति है और शरीरी जो आपकी आत्मा है उसके रूप में पुरुष की अभिव्यक्ति है और इन दोनों के योग से ही आपका व्यक्तित्व है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रकृति माया है मिथ्या है गलत है ये केवल भ्रांति का परिणाम है यहां इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ भी दुख रूप नहीं है ये तो सब परमेश्वर का ही वैभव है प्रकृति भी वही है पुरुष भी वही है शरीर रूप में भी वही है शरीरी रूप में भी वही है। हाँ इनके गुण स्वभाव में भिन्नता यही तो उसकी महिमा है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका जिसमें सत रज तम गुण है और पुरुष में भी जो सत चित और आनंद ये तीन तत्व हैं वह सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है और वह सत चित और आनंद से युक्त है क्योंकि दोनों एक ही की अभिव्यक्तियां हैं। विचित्र क्रीड़ा में एक भाग नित्य होते हुए प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है और दूसरा भाग जो वो नित्य होते हुए अचल रूप में रहता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत खोज करके इस निष्कर्ष पर तो पहुंचे हैं इसको समझा है वैज्ञानिकों ने भी इसका अनुसंधान करके इसको जाना है कि ये दोनों तत्व प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। छोटे से छोटे परमाणु में भी एक तत्व है जो गति करता रहता है एक तत्व है जो स्थिर रहता है। इसलिए ये सृष्टि के क्रम में इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता दोनों दो अलग अलग नहीं हैं,
ये नहीं कहा जा सकता कि इतना हिस्सा ये नाशवान है, इतना हिस्सा ये अविनाशी है। ये जो परिवर्तनशील है वो भी अविनाशी है, ये भी याद रखो। जो परिवर्तनशील है वो भी तत्वतः अविनाशी है, उसका भी नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके रूप में परिवर्तन होता है, तत्व का तो विनाश कभी होता ही नहीं। परमाणु जितने हैं, परमाणु का जो कारण ऊर्जा है उस ऊर्जा का भी नाश नहीं होता कभी, वो तो अखंड है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है। हाँ, उसके द्वारा जो रूप बनते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो रूप का नाश होता है लेकिन तत्व का नाश नहीं होता, तत्व तो हमेशा बना रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने बताया कि चाहे आप प्रकृति के रूप में उस परमात्मा की आराधना करें या पुरुष के रूप में परमात्मा की आराधना करें, अंतर कोई नहीं पड़ता। अब इसके लिए दो शब्द प्रयोग किया है शास्त्रकारों ने, वेद में दो शब्द हैं, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च। अब जो अभिव्यक्त होने वाला रूप है उसको मूर्त कह दिया कि वो मूर्त रूप है। जितनी हम लोग उपासना करते हैं तो मूर्त की ही करते हैं, अमूर्त की तो करते नहीं। लेकिन मूर्त की उपासना करते हैं किसके लिए करते हैं? अमूर्त के लिए करते हैं। ये एक रहस्य की बात है इसमें, आप मूर्त की उपासना अमूर्त के लिए करते हैं। कोई व्यक्ति अपने पिता की बड़ी सेवा करता है, अब वहां पर यदि वो विश्लेषण करने लगे कि उसका पिता कौन है, ये हाड़ मांस मल मूत्र चर्म आदि सप्त धातुओं से बना शरीर उसका पिता है, जिसमें रस है, रक्त है, मज्जा है, मांस है, अस्थि है, मेदा है आदि ये सब पदार्थ, ये उसका पिता है, या उसमें रहने वाला जो चेतन है वो उसका पिता है, तो क्या उत्तर मिलेगा? कल्पना कीजिए कि वो अपने पिता की सेवा करता है तो किसकी करता है? उसमें जो चेतन है उसकी कर रहा है या उसका जो शरीर है उसकी कर रहा है? क्या कहेंगे आप? चेतन की कर रहा है तो फिर शरीर का पांव दबाने की क्या जरूरत है? हड्डी मांस को दबाने से चेतन की पूजा कैसे हो जाएगी? भला सोचो, आप पिता की सेवा करते उसमें क्या करेंगे? उसके चरण दबाएंगे ना, तो हड्डी मांस जो दबाते उसमें क्या है? हड्डी है, मांस है, रक्त बह रहा है, नाड़ियां है, यही है ना, तो उसको दबाने से चेतन की पूजा कैसे हो जाएगी? कल्पना कीजिए आप लोग, आप व्यक्त के माध्यम से ही पूजा करते हैं, खाली अव्यक्त की पूजा हो नहीं सकती। अब चेतन तो भी होगा, जिसके पिता नहीं है, माता नहीं है, तो क्या उनकी चेतना कहीं लुप्त हो गई क्या? चेतना तो नित्य है, तो अभी होगी, लेकिन अब उनकी सेवा क्यों नहीं करते आप? उनकी पूजा क्यों नहीं करते? क्यों आराधना नहीं करते? और कैसे आराधना करेंगे? क्योंकि जिस माध्यम से आप आराधना कर रहे थे वो माध्यम खत्म हो गया, इसलिए उनमें श्रद्धा तो है, प्रेम भी है, लेकिन सेवा नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो रहा नहीं सेवा का माध्यम। तो जब तक आप सेवा करते थे तो किसकी करते थे? आप जरा सोचिए गंभीरता से। हमारे यहां शास्त्रकारों ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसको समझाया है, तंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र में ये बात समझाई गई कि ये शरीर जो है, ये शरीर, ये उस चेतन की ही अभिव्यक्ति है। चेतन की सत्ता का तब तक आपको बोध नहीं हो सकता जब तक ये शरीर न हो, और शरीर की सेवा से ही चेतन को आप प्रसन्न करते हैं। चेतन अलक्ष्य है, अव्यक्त है, वो दिखाई नहीं देता,
उसको कभी आप देख भी नहीं सकते, कोई नहीं देख सकता आप, क्या कोई नहीं देख सकता उसे। गीता के 15वें अध्याय में जहां पर भगवान ने बात बताई है कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, वहां पर भी वो आत्मा के लिए नहीं है, सूक्ष्म शरीर के लिए है। वहां पर मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करशति, उसके लिए बताया गया है, क्योंकि आत्मबुद्धि मनोयुक्त भोक्ता इति आहु मनुष्यण, ये चेतन जो है, चेतन भोक्ता तब बनता है जब उसके साथ मन और बुद्धि और इंद्रियां, अन्यथा भोक्ता बन नहीं सकता। और बुद्धि इंद्रियां आदि किसके विलास है? प्रकृति के विलास है। इसलिए ये जो साकार ब्रह्म है, साकार ब्रह्म जो है वो प्राकृत ब्रह्म है, और निराकार ब्रह्म जो है वो विशुद्ध चैतन्य है। और जब तक साकार ब्रह्म का आपको बोध नहीं होगा, निराकार का पता नहीं चलेगा आपको, है कि नहीं है कौन जानता है। निराकार ब्रह्म की सत्ता का बोध आपको कब होगा? जब आप किसी साकार का माध्यम ग्रहण करेंगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए यजुर्वेद में बात समझाई गई, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृतुम तीर्त्वा विद्या मृतम अश्रुते। पहले बताया गया कि जो लोग एकांगी उपासना करते हैं, जो शरीर को ही आत्मा माने बैठे हुए हैं, वो अधूरे हैं। जो चेतन को आत्मा मानकर शरीर की उपेक्षा करने वाले हैं, वेद की श्रुति कहती वो उनसे भी अंधकार में है। अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्याम उपास्ते ततो भूयर्वते तमोयव विद्यायामृता। ये दो ही तत्व हैं, विद्या और अविद्या। विद्या माने आत्मा, अविद्या माने शरीर, ऐसे समझ लीजिए। तो दो ही ये तत्व है, विद्या और अविद्या, शरीर और आत्मा। आप उपासना करेंगे तो इन दोनों में से किसी की करेंगे? तो यदि आप शरीर की उपासना करते हैं तो अंधम तमः प्रविशन्ति अविद्याम उपास्ते का वो घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या माने शरीर की पूजा करने में लगे रहते हैं। लेकिन ततो भूयते तमोयव विद्यायामृता, लेकिन जो शरीर की उपेक्षा करके केवल आत्मा की गीत गाते हैं, वो उनसे भी बड़े अंधकार में चले जाते हैं। क्योंकि केवल आत्मा की गीत गाने से कुछ नहीं होता, क्या करोगे आप? एक दिन मैंने बताया था ना कि तुलसीदास जी यही पूछते हैं कि परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, फिर आप दुखी क्यों हो रहे हो? अस प्रभु इचे हृदय अचत अधिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। फिर क्या किया जाए? का फिर वेद कहता है कि विद्याम च अविद्याम च तद्वेदो भयम सह। कहा विद्या और अविद्या, इन दोनों के साथ साथ जो उस तत्सत्व को, यानी जिससे दोनों प्रकट हुए हैं, उसको जानता है, वो अविद्यामृतम तृत्वा विद्यामृतम अश्नुते। वो अविद्या के ज्ञान से मृत्यु को तर जाता है, यानी शरीर की नित्यता और उसकी परिवर्तनशीलता। शरीर में जो तत्व है वो नित्य है, शरीर की जो आकृति है वो परिवर्तनशील है। ये दो बातें, इसका बोध हो गया तो मृत्यु का भय जाता रहता है। कि मृत्यु किसका हो? आकृति की, तो आकृति तो रोज मर रही है, प्रतिपल मर रही, जब से पैदा हुई है तब से लेकर अब तक कितनी बार मरे होंगे पता है? मरते जा रहा है। मरना माने परिवर्तन। और यदि आप न मरते ना, तो घर वाले बैठकर रोते आपके मरने के लिए, मरता नहीं बच्चा। आप देखिए, किसी का बच्चा यदि पैदा हो और साल का हो जाए और चलने ना लगे, दो साल का हो जाए बोलने ना लगे, आफत आ जाती है मां बाप को, क्योंकि उसके उस स्वरूप को उतनी देर तक वो पसंद करते हैं।
छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन कब तक? जब तक उसकी छोटे रहने की आयु है। और यदि जन्म भर से छोटा रह जाए तो आप जरा सोचिए कितना दुख होता है माता पिता को। तो छोटा से जब छोटेपन का वो अवस्था उसकी मरेगी तब तो उसमें से बड़ा निकलेगा। अब इसके लिए दो अलग अलग सिद्धांत हैं। सांख्यवादी कहते हैं मरता नहीं परिवर्तित होता है, और नैयायिक कहते हैं नहीं, उसका पहले बीज का नाश होता है तब उसमें से अंकुर निकलता है, अंकुर का नाश होता है तब उसमें से वृक्ष बनता है। ये नैयायिकों का मत है। और सांख्यवादियों का मत है कि नहीं नहीं ये गलत बात है, बीज जो है वही अंकुर के रूप में परिणित होता है, अंकुर ही वृक्ष के रूप में परिणित हो जाता है, वहां मरता नहीं कुछ, क्योंकि ये तो प्रकृति का वेव है, प्रकृति तो अविनाशी है, अविनाशी प्रकृति मरेगी कैसे भला? प्रकृति तो अविनाशी है ना, और प्रकृति का ही सारा वैभव है। तो यदि प्रकृति वृद्धि को प्राप्त हो रही है ये तो उसका वैभव है, और यदि वृद्धि को प्राप्त न होते होता कोई रोग हो गया इसे। तो अविद्या मृत्युं तृत्वा, अविद्या का यदि बोध हो जाए आपको, यानी शरीर के सारे स्वरूप का बोध हो जाए, तत्व का बोध हो जाए, तो आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु माने परिवर्तन, और परिवर्तन आपको इष्ट है। हाँ, कुछ परिवर्तन इष्ट नहीं होता, जैसे बच्चे से जवान जल्दी बन जाऊं ये तो होता है, लेकिन जवानी के बाद मैं बूढ़ा जल्दी हो जाऊं चाहते हो क्या? ये तो नहीं चाहते। एक बार एक संत से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जानते हो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? बड़े अच्छे वृद्ध संत थे, चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुख कब घटित होता है जानते हो? ऐसे चर्चा में बता रहे थे, मैंने पूछा आपका स्वामी जी आप बताइए कब होता है? कहा जब पहली बार उसके सर के ऊपर एक सफेद बाल दिखाई देता है, उसमें उसको इतना धक्का लगता है पहली बार सफेद बाल जब दिखाई देता है उसके सर पर इतना धक्का लगता है। वो व्याख्या कर रहे थे महाराज दशरथ की, श्रवण समीप भयसित कैसा, तो इस विषय में समझा मनव जरतपन अस उपदेशा। तो ये लगता है कि अब वृद्धावस्था आने लगी, चाहे जवानी में, अब तो जवानी में ही बाल पक जाते हैं, आपकी बात अलग रही, लेकिन जब मनुष्य को यह पता चल जाए कि प्रकृति नित्य है, शाश्वत है, शरीर का कोई भी ऐसा तत्व तो नहीं जो मरता हो, शरीर में परिवर्तन होता है, परिवर्तन को यदि मृत्यु कहते हैं तो हो नहीं है, और ये अच्छा है, यदि न हो तब भी बुरा है। एक महात्मा के दर्शन करने में, उस समय उनकी आयु 287 वर्ष की थी, 287 वर्ष की, अभी पिछले साल उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो जब उनके विषय मुझे पता चला तो मैं उनके दर्शनों के लिए गया, मेरे साथ मेरे कुछ शिष्य भी थे। तो जब मैं वहां गया उनसे मिला तो पहले तो बातें करते रहे, बातें करते करते फिर रोने लगे। तो रोते हुए कहने लगे कि अब मैं किस लिए जी रहा हूं आखिर, अब मेरे शरीर रहने का कोई प्रयोजन तो है नहीं, अब मुझे केवल यही एक दुख है कि मैं जी किस लिए रहा हूं, कोई प्रयोजन नहीं है, बहुत लंबा जी लिया, क्या क्या देखा, अंग्रेज भारत में कैसे आए वो बताया उन्होंने, मुसलमानों का और जो युद्ध हुआ वो बताया, 287 वर्ष बहुत होते हैं, जिस दिन औरंगजेब मरा था उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उनको इतना याद था कि बस उस दिन मेरा जन्म हुआ है, और उनका सारा डेट बाय सारा पूरा जीवन लिखा हुआ था वहां पाषाण के ऊपर जहां वो रहते थे, कि किस सन में उन्होंने क्या किया, किस सन में क्या किया। और बहुत अच्छे विद्वान महात्मा थे, जब बोलते थे संस्कृत ही बोलते चले जाते थे, हिंदी बोलते तो हिंदी बोलते थे, तो वो इसीलिए दुखी थे कि मैं जी क्यों रहा हूं, और बहुत लोग इसलिए दुखी हैं मैं जल्दी मर क्यों रहा हूं। जरा देखिए तो जो लोग मृत्यु के रहस्य को समझ जाते हैं, परिवर्तन के रहस्य को समझ जाते हैं, और ये जानते हैं
कि भगवती जो है वह करुणामयी है, वही प्रकृति स्वरूपा है, उसी की सारी देन है और उसके द्वारा ये सारा जो वैभव बिखेरा गया है असंख्य रूपों में, अनंत रूपों में, विचित्र रूपों में, इसके यथार्थ बोध से जीव को आनंद प्राप्त होता है। तो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा अविद्या ज्ञात्वा, अविद्या का बोध हो जाने पर जीव मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है और विद्या मृतम न सुनुते, और विद्या के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से वह अमृत को प्राप्त कर लेता, अमृत का अनुभव करता है। तो ये जो विद्या और अविद्या की क्रीड़ा है, लीला है समझ लो, खेल है समझ लो, ये सृष्टि का जो वैभव है, विलास है समझ लो, ये आपके आनंद के लिए है, रोने के लिए नहीं है, दुखी होने के लिए नहीं है। लेकिन इसका आनंद आप कब लेंगे? इसका आनंद तभी ले सकते हैं आप जब दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझ लें। और यथार्थ स्वरूप को कब समझेंगे आप? लेकिन मैंने बताया था कि जब वह करुणामयी परमेश्वरी करुणा करके अपने आवरण को खींच लेगी, आपको अपने यथार्थ स्वरूप को दिखा सकेगी, दिखा देगी। अभी आप सुन रहे थे ना, भगवान विष्णु सो रहे थे तो भगवान विष्णु के पांच अंगों को महामाया ने आवृत कर रखा था, पांच अंग, और आवृत कर दिया तो योग निद्रा में पहुंच गए। जब ब्रह्मदेव ने उससे प्रार्थना की कि हे भगवती, तू कृपा करके नारायण को जगा दे, अन्यथा ये मधु और कैटर मुझे खा जाएंगे, तो उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवती ने अपने पांचों आवरणों को हटा लिया, विष्णु जग गए। यानी चेतन आपके अंदर विद्यमान है लेकिन वो चेतन का प्रकाश आपके बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि महामाया ने पांचों आवरणों से आपको आवृत कर रखा है। और जब वो पांचों आवरण आपके हटा लेगी, कौन हटाएगी? वही आप अपने पुरुषार्थ से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना। इस विषय में हमारे यहां तत्व ज्ञान की बात समझाते हुए बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा एक सत्य बताया गया है। जैसे आप अपने घर से बाहर निकलना चाहें तो आपके मकान की ताली आपके हाथ में है, जब चाहे उसको खोल दे और बाहर निकल जाए। लेकिन बाहर निकलकर कहां तक जा सकते हैं आप जानते हैं? अपने देश की सीमा तक। लेकिन देश की सीमा को पार करना चाहे तो उसकी चाबी आपके हाथ में नहीं है, फिर उसकी चाबी तो सरकार के हाथ में है। सरकार आपको इजाजत दे तो आप इस देश से बाहर जा सकते हैं, नहीं इजाजत दे तो आप जा नहीं सकते, और यदि जाने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है किसी गोली के शिकार बन जाए कि भाई बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, ये कोई अपराधी है। यदि आप गवर्नमेंट की इजाजत के बिना, सरकार की इजाजत के बिना देश का बॉर्डर क्रॉस करना चाहेंगे तो आप अपराधी सिद्ध होंगे, और अपने घर का दरवाजा खोलें चाहे बंद करें इसमें आप स्वतंत्र हैं। इसी रूप से यदि आप अपने सीमित अहम से मुक्त होना चाहते हैं तो इसमें आप स्वतंत्र हैं, ज्ञान की साधना कीजिए। ज्ञान हो जाने पर आप अपने सीमित अहम से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सीमित अहम से मुक्त होने पर आप प्रकृति के पार चले गए ऐसा नहीं समझ लेना। ना ना, भगवान ने ही तो बताया गीता के सातवें अध्याय में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। काहे मेरी त्रिगुणात्मिका माया जो है ये सामान्य नहीं है, बड़ी कठिन है, बड़ी विचित्र है,
मार्कंडेय ऋषि प्रार्थना करते हुए भगवती से कहते हैं, हे भगवती ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रेक्षति। वो कहते हैं वह महामाया जो है वह बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच करके और मोह में डाल देती है, और मोह में डाल देती वही रोता पड़ा रहता है। रामायण में आप लोगों ने एक नहीं अनेकों घटनाएं देखे होंगे, चरित्र देखे होंगे। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान ने अपनी माया को इशारा किया, माया ने ऐसा चक्कर में डाला कि रोते रह गए। इसी प्रकार से गरुड़ को अहंकार हो गया कि मैंने तो राम का बंधन काटा, उस महामाया ने ऐसा अपना चक्कर डाला कि रोते हुए घूमते रहे कि बताओ कि राम कौन है। और नारद जी ने उनसे यही कहा कि जो माया सामान्य नहीं, बड़ी विलक्षण माया है, जो बहुबार नचावा मोही सोई व्यापी विहंग पति तो ही। काग जिसने जिस माया ने मेरे को अनेकों बार नाच नचाया है वही माया अब तुम्हें व्याप्त हो गई, इसलिए वो माया बड़ी विलक्षण है, परमेश्वरी शक्ति है, बिना उसकी करुणा से बिना उसकी इजाजत से कोई इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों को जो ज्ञानी न कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई, जो बहुबार नचावा मोही सो व्यापी विहंग पति तो ही। जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींच करके जबरदस्ती मोह में डाल देती है वो माया परमेश्वर। इसलिए परमेश्वरी की आराधना करें। सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकर कहते हैं, गौर तेजो बिना देवी श्याम तेजो समर्चे जपेत वा ध्यायते वापी सभवेत पात की स्वेत। जो उस परमेश्वरी की आराधना के बिना केवल परमेश्वर की उपासना करके कल्याण का भाजन बनना चाहता है वह तो पातकी है, क्योंकि जब तक परमेश्वरी की अनुकंपा न हो, भगवती की कृपा न हो, कोई अपनी माँ को गालियां दे और बाप का पांव दबाता रहे सेवा करता रहे तो मेरे विचार से कोई कलयुग का बाप हो भले खुश हो जाए लेकिन कोई पिता इसको पसंद नहीं करेगा। माँ की उपेक्षा करने वाला और कोई पिता की उपेक्षा करके केवल माँ की सेवा में लगा रहे तो कोई पतिव्रता स्त्री भी इसे पसंद नहीं करेगी। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि आप किसी भी इष्ट की आराधना करें, हर एक के साथ शक्ति और शक्तिमान दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। राम की करेंगे तो वहां सीता आपको मिलेगी, कृष्ण की करेंगे तो वहां राधा मिलेगी, शिव की करेंगे तो वहां उमा मिलेगी, नारायण की करेंगे तो वहां लक्ष्मी मिलेगी, ब्रह्म की करेंगे तो आप वहां पराशक्ति मिलेगी, पुरुष की करेंगे तो वहां प्रकृति मिलेगी। जिसकी भी आप आराधना करें साथ में आपको उसकी शक्ति की आवश्यकता होगी। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं है। शास्त्रकारों ने तो यहां तक कहा है कि शक्ति के बिना शिव जो है वो सव है। शिव शब्द जो है शिव में स ई व ये तीन अक्षर मिलते हैं और उसमें ई जो है ये शक्ति का अवबोधन, और यदि ई निकाल दिया जाए तो स व रह जाएगा और कुछ नहीं होगा, शिव नहीं होगा। इसलिए शक्ति से युक्त शिव ही शिव होता है, अन्यथा नहीं। अब इस आराधना के
अनेकों उपाय बताए गए हैं, भेद बताए गए हैं। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि आराधना के क्रम में पांच अंग हैं मुख्यतः। हमारे यहां वैदिक साहित्य में निर्गुण उपासना और सगुण उपासना दोनों की प्रतिष्ठा है, लेकिन निर्गुण उपासना के माध्यम से भी जब समग्र ब्रह्म का बोध होगा तो वहां सगुण का भी साक्षात्कार होगा, और सगुण उपासना के माध्यम से यदि यथार्थ बोध होगा तो निर्गुण का भी अवबोधन हो जाएगा। लेकिन शास्त्रकारों ने बताया कि जितनी उपासना जिसे कहते हैं वो केवल सगुण की होती है, निर्गुण की उपासना नहीं होती, निर्गुण का बोध होता है। ये बात याद रखो, उपासना शब्द का अर्थ होता है उपसमीपे स्थिति, आसना माने स्थिति। तो ये तो किसी के समीप अपने चित्त को ले जाना, ये निर्गुण में बनेगा या सगुण में बनेगा, कल्पना कीजिए। निर्गुण में तो ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकती किसी के समीप आप जाकर बैठेंगे। आप यदि कोशिश करें कि हम आकाश के समीप जाकर बैठेंगे, आकाश निर्गुण है तो कहां बैठेंगे आप? आकाश तो सर्वव्यापी है, उसकी उपासना तो नहीं बनी ना। जब आप कोई मूर्त रूप स्वीकार करेंगे तभी तो उसके निकट जाकर बैठने की आपको चाह होगी। और यह भी याद रखना कि आपको जितना बोध है ये सब सगुण की देन है, निर्गुण की देन नहीं है। इसका माध्यम क्या है? सगुण है। बिना सगुण के माध्यम के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रकारों ने बताया कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी सगुण की आराधना आवश्यक है, और सगुण की आराधना के लिए शास्त्रकारों ने पांच मुख्य अंग बताए हैं। उसमें पहला अंग है उपनिषद। हमारे यहां जितने संप्रदाय हैं पांच भागों में वो विभक्त हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य और सौर्य। ये पांच संप्रदाय हैं वैदिक संप्रदाय जिसे कहते हैं। संप्रदाय माने क्या होता है जानते हो? परंपरागत उपासना की विद्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया। उपासना की एक विद्या है, यानी उपासना की विधि है, और जिस परंपरा से आप उस उपासना की विधि को प्राप्त करते हैं वो परंपरा आपकी संप्रदाय कही जाती है। संप्रदाय शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण दीयते, और वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? गुरु के द्वारा। गुरु ही आपको सम्यक प्रकार से उस उपासना की विधि प्रदान करेगा। तो जिस गुरु से आपने उपासना की पद्धति प्राप्त की है वो गुरु भी अपने गुरु से प्राप्त किया है, वो भी अपने गुरु से प्राप्त किया, एक परंपरा चली आ रही है, कोई नया नहीं हो सकता इसमें। यदि कोई ये कहने का दुस्साहस करे कि हमने एक नए संप्रदाय का सृजन किया, एक नई विधि हमने ईजाद की है, तो उसको अज्ञानी कहा जाएगा। इस सृष्टि में कोई ऐसी साधना नहीं है जो कोई ये कहे कि हमने ऐसे नया उत्पन्न किया, क्योंकि हमारे वैदिक ऋषियों ने सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों का अनुसंधान करके, उस सत्य को समझ करके जितने प्रकार की संभावनाएं हैं साधना की, सभी संभावनाओं को उन्होंने विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रकट किया, और उससे भिन्न कोई संभावना के लिए स्थान नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और जो अन्य धर्म है उनका भी अध्ययन किया, उन धर्मों में भी जो साधना पद्धति है उनका भी विवेचन हमारे ग्रंथों में है। कोई ऐसी साधना पद्धति नहीं है जो नई निकली हो या किसी महापुरुष ने नया निकाला हो। हाँ, नाम बदल सकते हैं आदमी, नाम बदलना तो स्वाभाविक है,
क्योंकि मनुष्य दुनिया में जहां भी कहीं है उसके पास तीन ही तो साधन है, बुद्धि है, मन है और शरीर है, चौथा कोई साधन तो है नहीं। या तो ज्ञान है, या तो भाव है, या तो कर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई चौथा उपाय ही नहीं है। जब तीन ही प्रकार के साधन हैं, एक बुद्धि से संबंधित है ज्ञान, हृदय से संबंधित है भाव और शरीर से संबंधित है कर्म, इसके सिवा चौथा कोई तत्व तो ही नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ और कर सके। इस प्रकार से जब आप समझेंगे तो आपको इसका बोध हो जाएगा। जो तीन प्रकार के साधन हैं, इन साधनों के प्रयोग करने की विधि हमारे पूर्व के ऋषियों ने पांच भावों में आबद्ध किया है। पांच भाव, उसको वेदांत की भाषा में कहते हैं अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप। पुराण की भाषा में उसे कहते हैं अस्ति, भाति, प्रिय, ये तीन हैं मूल, और इन्हीं के आगे हैं नाम और रूप। पुराण की भाषा में इनको कहा गया, अस्ति को कहा गया शक्ति, भाति को कहा गया शिव, प्रिय को कहा गया विष्णु, नाम को कहा गया गणेश और रूप को कहा गया सूर्य। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप, ये वेदांत की भाषा है, और पुराण की भाषा में इनको पांच नाम दे दिए गए, शक्ति, शिव, विष्णु व नारायण, उन्हीं के राम और कृष्ण आदि स्वरूप हैं, और सूर्य और गणेश। अब इन्हीं से संप्रदाय बने। उपासना तो एक ब्रह्म की है, लेकिन किस रास्ते से आप नाम के माध्यम से वहां पहुंचना चाहते हैं, रूप के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, भाव के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, बुद्धि के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, या कर्म के माध्यम से पहुंचना चाहते हैं, कौन सा उपाय आप ढूंढना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं? इनमें से एक ही उपाय तो आप अपनाएंगे मुख्यतः, बाकी तो उसके सहयोग में होंगे। तो ये शास्त्रकारों ने बताया, और सभी संप्रदायों के लिए उन्होंने जिस प्रकार से उसका खोज की उसको कहा उपनिषद। उपनिषद माने रहस्यमयी विद्या। तो जितने संप्रदाय हैं सबके अपना अपना उपनिषद है। राम की उपासना करने वाले के लिए राम तापनी उपनिषद है, कृष्ण की उपासना करने वाले के लिए कृष्ण तापनी उपनिषद है, गोपाल तापनी जिसे कहते हैं, शिव की उपासना करने वालों के लिए अनेकों उपनिषदें हैं, दुर्गा की उपासना करने वालों के लिए अनेकों उपनिषदें हैं, इसी रूप से सूर्य की उपासना करने वालों के लिए अनेकों उपनिषदें हैं, गणेश की उपासना करने वालों के लिए अनेकों उपनिषदें हैं। हमारे यहां उपनिषदों का जो संकलन है अब उपलब्ध है, लगभग 222 उपनिषदें उपलब्ध हैं, वो इन पांच भागों में बांटी गई है सारी। किसकी उपासना आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके उपनिषद को आप देखिए, और जिनकी उपासना की विधि उपनिषद में नहीं है वो उपासना अवैधिक है, अमान्य है, हम सनातनी उसे स्वीकार नहीं करते। जो अवैधिक है उसे हम स्वीकार नहीं करते, वो अमान्य है, और उससे कोई लाभ भी नहीं होगा, उससे तुम भ्रम में पड़ोगे और उससे कोई तुम्हें लाभ नहीं होने का। इसलिए उपासना की विधियां हैं उपनिषद, मूल है। अब उपनिषद यदि आपने पढ़ा तो उसी उपनिषद में उस इष्ट के उपासना का मंत्र है, ये दूसरा अंग है। पहले उपनिषद है, फिर मंत्र है, फिर वहीं पर उसके लिए यंत्र की व्यवस्था है, यंत्र उसी उपनिषद में। तो उपनिषद है, मंत्र है, यंत्र है, और फिर वही उसके चरित्र का संकेत है, चरित्र जिसे कहते हैं। अब जहां पर आपने उपनिषद, मंत्र, यंत्र और चरित्र ये तीनों को, इन चारों को समझा, अब इनके समझने के साथ साथ अब उसी की उपासना के लिए एक व्यवस्था दी गई जिसको मूर्ति कहते हैं।
किस प्रकार से उसकी मूर्ति का निर्माण हो, किस प्रकार से उसको प्रतिष्ठित किया जाए, किस प्रकार से फिर उसकी उपासना में आगे बढ़ा जाए, ये पांच अंग उसके बताए गए हैं और इन पांचों अंगों से युक्त उसकी उपासना होती है। नाम के साथ मंत्र जो है, मंत्र के साथ जो नाम है ऐसा समझ लें, उसके साथ सहस्र नाम की प्रतिष्ठा है। हर एक इष्ट का सहस्र नाम है, इसी रूप से हर एक इष्ट के उपासना के लिए उसका कवच है। जो उपासना करते हैं वो उस इष्ट का चिंतन करते हुए पहले कवच धारण करते हैं। कवच किस लिए धारण करते हैं? जिससे आपकी उपासना में विघ्न आवे तो उससे आपकी रक्षा हो सके। जैसे सूरमा जब युद्ध करने जाता है तो अपने शरीर के ऊपर बख्तर पहनता है, कवच कहते हैं जिसे, ऐसे उपासक जब उपासना में प्रवृत्त होता है तो अनेक प्रकार की बाधाएं उसकी उपासना में आती हैं और उन बाधाओं से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेगा, इसके लिए पहले उस इष्ट का कवच धारण करे। कवच धारण करके फिर उपासना में प्रवृत्त हो। जैसे आप लोग आजकल भगवती की उपासना यहाँ हो रही है तो दुर्गा सप्तशती उस उपासना का ग्रंथ है और ये जो है ये देवी उपनिषद जो है उसका उसमें मंत्र है। जो नवारण मंत्र है ये देवी उपनिषद का है। विभिन्न ग्रंथों में और विशेष रूप से वहां पर यह बात समझाई गई है कि भगवती की उपासना करने के लिए पहले भगवती का कवच धारण करें। तो सप्तशती आप पढ़ते हैं तो पहले कवच पढ़ना पड़ता है। कवच है, अर्गला है, फिर कीलक है, फिर उसके आगे चरित्र है, इस प्रकार से। तो हर एक उपासना में पांच अंग हैं और उसमें प्रधान है उपनिषद। इसलिए जो लोग उपनिषद का पाठ करते हैं उसमें इन पांचों का समावेश हो जाता है। उपनिषद है ही, मंत्र भी उसमें है, यंत्र भी उसमें है और चरित्र का भी संकेत उसमें है, इस प्रकार से, और मूर्ति का स्वरूप भी उसमें आ जाता है। ध्यान में जहां ध्यान करते हैं उसमें उस भगवती के मूर्ति का स्वरूप वर्णन है। फिर पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्यम प्रभाम पाशांकुश धराम दिव्याम वरदा भयस्काम त्रिनेत्राम रक्त वसनाम भक्त काम दुभाम भजे, ये वेद के मंत्र का ये चिंतन है। तो उसमें उसके स्वरूप की व्याख्या है। अब इसी स्वरूप को हम मूर्ति के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित करते हैं। यहाँ जो हमारे यहाँ मूर्तियां बनी है उसमें एक मूर्ति इसी मंत्र की व्याख्या के रूप में बनी है, तो उसको हम प्रतिष्ठित करते हैं। अब ध्यान में तो ऐसा मंत्र तो जप लिए, बोल दिए, लेकिन आंख बंद किए तो मूर्ति नहीं आई, तो सामने मूर्ति रख लिया तो देख रहे हैं हम, नेत्र और मूर्ति एक साथ जुड़ गई और इस मंत्र का चिंतन करने लगे और उसके अवयवों का दर्शन किया तो भाव वहां बन गया, चित्त वहां टिक गया। तो इस प्रकार से पांच अंग हैं उपासना के और उसमें बेस जो है वो मंत्र है, उपनिषद है। उपनिषद जो है वेद का उत्तरार्ध है ऐसा माना जाता है, वेद का यानी अंश है, क्या नाम, वेद का एसेंस है, जिष्ट है ऐसा समझ लो, और उसके द्वारा ही आपको साधना में प्रवृत्त होने की दिशा प्राप्त होती है। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो आपसे पूछेगा कि आप किसकी उपासना करेंगे। आजकल जो संप्रदाय नए नए, संप्रदाय तो नहीं कह सकते इनको, संप्रदाय तो वेद से संबंधित होते हैं, लेकिन आजकल जो नए नए पंथ चले हैं ये, इनमें वो व्यवस्था नहीं है। आप उनके पास जाओ तो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा इष्ट कौन है या तुम किसकी आराधना करना चाहते हो। उनके पास पेटेंट मसाला है और उसने आपको दे दिया, अब उस पेटेंट को लेकर के आपका चित्त लगे चाहे ना लगे, लेकिन आप बंध गए उस बाढ़ में आ गए कि हमने तो नाम ले लिया, बंध गए हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हमने नाम तो ले लिया अमुक जी का, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो हम क्या करें भाई,
कहा हम तो इसकी उपासना करते थे लेकिन हम गए तो उन्होंने तुम्हें ये नाम दे दिया। हम कहा वो तू के पास नाम है वही है तो देंगे कहां से दूसरा। भाई ये तो वैदिक विधि में हर एक व्यक्ति के चित्त की अवस्था के अनुसार साधन की व्यवस्था है, तो बात समझे। और आप लोग ये जानते हैं दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग है, सबके मन का स्तर अलग अलग है, और जैसे जैसे उसके मन का बुद्धि का स्तर है वैसे ही तो साधना वो करेगा, उसके लिए वैसे इष्ट की जरूरत होती है। तो जब उस प्रकार के इष्ट का वो चिंतन ही नहीं करता तो उसका मन टिकेगा कहां से, फिर तो दौड़ेगा इधर सुधर जाएगा उधर सुधर जाएगा, अपने अंधविश्वास के नाते उसे पकड़े रहे कि ठीक है हम तो बंध गए हैं इसलिए बंधे रहेंगे। लेकिन साधना की वो प्रक्रिया नहीं है। साधना की प्रक्रिया वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित की गई है जिसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार इष्ट का चयन करना चाहिए और इष्ट के चयन के साथ साथ उस इष्ट के पंचांग ये पांच अंग हैं उसके अनुसार उसकी उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। और इन अंगों की व्याख्या कल आप लोगों को बताया जाएगा क्रम क्रम से, आज तो इनके नाम आपको गिना दिए हैं। अब प्रार्थना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः।